उसके बाद जो होगा उसके उत्तरदायित्व केवल तुम्हारा होगा। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो है हिमाचल प्रदेश का है, जहां पर दबंग लोगों ने मुस्लिम धर्म के लोगों को अल्टीमेटम दिया था कि 30 दिन के अंदर अंदर हिमाचल को छोड़ करके चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन 30 दिन से पहले ही पहले अल्लाह का अजाब देखिए। यकीन दोस्तों इसको अल्लाह का अजाब कहेंगे कि जो लोग दावा करते थे कि 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ से मुसलमानों को निकाल देंगे, मुसलमानों को उखाड़ करके फेंक देंगे, आज वो लोग खुद रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रो करके दुआएं कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो पानी है ये पानी कम हो जाए। आप जानते हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है और बारिश होने के बावजूद हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि न जाने कितने लोगों के घर उजड़ गए, न जाने कितने लोग बेघर हो गए, न जाने कितने लोग बर्बाद हो गए। कहते हैं ना कि कभी भी अगर मज़हब इस्लाम पर आप लोगों ने उंगलियाँ उठाई हैं तो यकीनन ये तमामी तरह के अंजाम लोगों को देखने को मिले हैं। और एक यही मज़हब है, जब तक मज़हब इस्लाम है तब तक सब कुछ है। मज़हब इस्लाम नहीं होगा तो यकीनन क़यामत आ जाएगी। लेकिन प्यारे दोस्तों साथियों, यहाँ पर हम आप लोगों को ये वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से कलियर शरीफ में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि दरगाह शरीफ के अंदर तक पानी पहुँच गया है। जो लोग बताते हैं ना कि किस तरह से मज़हब इस्लाम को टॉर्चर करते हैं, किस तरह से मज़हब इस्लाम को लेकर के बयान देते हुए नज़र आते हैं, आज वहाँ पानी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। यानी कि अल्लाह की ज़ात वो ज़ात है, कभी भी कोई भी कुदरत से टकराया है तो वो चूर चूर हो गया है। यहाँ पर आप लोग देखें कि पानी इतना ज़्यादा है कि लोगों के हालत ख़राब है, लोगों ने गांव खाली कर दिए हैं और बड़ी बड़ी बस्तियाँ जो हैं जंगलों में और तालाबों में तब्दील हो चुकी है। प्यारे दोस्तों साथियों, साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान भी निराली है। आपके दरबार में हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस वक्त पानी इतना ज़्यादा है जो कि दरगाह शरीफ के अंदर तक भी पहुंच गया है। और आपके बेशुमार वाक़यात हैं जो कि आज भी बोले जाते हैं और लोग हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो वाक़यात सुनते हैं कि किस तरह से आपने बरसों बरस खाना नहीं खाया और पेड़ की शाख को पकड़े खड़े रहे, गूलर की, जो कि आज भी आपके मज़ार शरीफ के सामने वो पेड़ मौजूद है। बहुत सारे आपके बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन जब जब मज़हब इस्लाम को लेकर के किसी ने जहर उगलने की कोशिश की है, जब जब लोगों ने मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश की है, जब जब लोगों ने मुसलमानों को अल्टीमेटम दिया है, तब तब कुदरत ने इसका फ़ैसला खुद किया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ पिछले कई दिनों से शेयर होता हुआ नज़र आ रहा है और वहीं दरगाह शरीफ में आप लोग देखें काफ़ी तादाद में पानी है और दूर दराज से आए हुए ज़ायरीन जो हैं वो भी इसमें फंसे हुए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि अल्लाह के वली के आस्थाने की ये शान ही निराली है। और ये आप देखें किस तरह से जहां पर हर वक्त हज़ारों की तादाद में लोग बैठे रहते हैं, आज वो जगह खाली है क्योंकि बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा बरस चुकी है और पानी ने अपना घर कर